खबर दिल्ली से है, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, आपने 70 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में होने वाले। जी हां, आम आदमी पार्टी ने 8 महिलाओं को इस बार टिकट दिया है। मौजूदा 15 विधायकों का आपने टिकट काटा है, तो 15 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ। इस बार 8 महिला उम्मीदवार होंगी। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 8 जो टिकट है वो महिला उम्मीदवार को दिया है। अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली से चुनावी मैदान में होंगे। तो 70 में से 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अब दिल्ली में सियासी जंग जो है वो तेज हो गई है। जिस तरह आप बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस रखी है, एक दूसरे के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस बीच खबर की 70 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आपने कर दी है। अमित दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अरविंद केजरीवाल ने मन बना लिया है इस बार चुनावी मैदान में जब वो होने वाले हैं, 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है, क्या समझा जाए? जिस तरह से महिलाओं के उत्थान की बात आम आदमी पार्टी करती है, तो 70 में से 8 जो सीट है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड। देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी सीट को लेके पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, और यही बड़ी वजह है। ना सिर्फ महिलाओं की बात की जाए, बल्कि जो उनके ज्यादातर पुराने विधायक थे, आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, जो उनके मंत्री थे, लगभग सभी को यहाँ पे टिकट दिया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज, जहाँ पिछली बार चुनाव लड़े थे उसी जगह, और किसी के भी विधानसभा क्षेत्र में बदलाव नहीं किया गया, यानी केजरीवाल। लेकिन 15 मौजूदा विधायकों का पत्ता भी तो साफ हुआ है अमित जी। बिल्कुल, देखिए, जिनका काम रडार पे था या जो आम आदमी की रणनीति से दूर हो रहे थे, उन लोगों का ही पत्ता सिर्फ कटा। यही वजह थी कि जिसकी बात मैं कर रहा था कि ज्यादातर विधायक और मंत्रियों को दिया गया, क्योंकि 67 एमएलए जिस तरह से उसमें कई बार गुटबाजी हुई, कई लोग छोड़ के चले गए और कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, खासतौर पे जो कांग्रेसी थे उन लोगों ने ज्वाइन की, तो उन लोगों को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है। और चूंकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी अपने विधायकों का जिस तरह सर्वे कर रही थी, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी निगरानी में करवा रहे थे, उसी के अनुसार ज्यादातर विधायकों को टिकट दिया गया है। जी जी अमित, ये जो सवाल मैंने पूछा था, 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है, हालांकि नाम आतिशी वगैरह का भी सामने आ रहा है, लेकिन 70 में से 8 टिकट देना, कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की है कि महिलाओं पर फोकस है, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं बल्कि देखिए हम उनको टिकट भी दे रहे हैं। देखिए, लगातार जो है 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है, और कई पार्टियां जो है वो ज्यादातर महिलाओं पे अपना धावा कर रही है। हालांकि सारी रणनीति जो है वो कागजी दिखाई पड़ती है, 33% या 30% कहीं नहीं दिखता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे 8 महिलाओं को टिकट दिया है, जिससे कि कोई पार्टी के ऊपर सवाल ना उठा सके। खासतौर पे जिस तरह से अभी रिसेंटली डीटीसी में महिलाओं को फ्री किया गया है, तो केजरीवाल जरूर महिलाओं की पार्टी में महिलाओं का भी एक अपना कद है, जिस वजह से इन महिलाओं को टिकट दिया गया है। जी, क्या लगता है अमित, किस तरह का चुनाव होने वाला, क्या स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की रहने वाली है? क्योंकि एक एक सीट जिस तरह से बात कर ले, बीजेपी भी लगी हुई है और कांग्रेस भी लगी हुई है, तीनों पार्टियों का तो यही कहना है कि हम आने वाले चुनाव में भारी पड़ने वाले हैं दूसरी पार्टियों पर, ऐसे में एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी को भी अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरह से केजरीवाल ने खासतौर पे सब्सिडी दे रखी है, चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, काफी हद तक पानी जो है मुफ्त किया गया, 20,000 लीटर, 200 यूनिट तक बिजली फ्री की गई, डीटीसी में महिलाओं की यात्रा फ्री की गई, तो इस तरह के जो चीजें खासतौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्रिएट किया, जो लगातार लोगों को मिल रही है, और यही वजह है कि इन सारी सब्सिडी की वजह से आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत मान के चल रही है। कई बार जो है कांग्रेस और बीजेपी भी इस तरह के मैनिफेस्टो की बात करती है, लेकिन अगर मैनिफेस्टो की बात करें या दावे की बात करें, तो इस तरह का अभी तक कांग्रेस या बीजेपी किसी पार्टी की तरफ से दावा नहीं किया गया।
तो जाहिर तौर पर जो लोगों को सब्सिडी मिल रही है वो भी एक बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित होता है। और इसका कोई विकल्प खासतौर से बीजेपी के नेताओं से हमारी बात चलिए देखने वाली बात होगी अमित, यही तो स्ट्रेटजी होती है पार्टियों की कि क्या रणनीति अपनाते हैं चुनावी मैदान में उतरने से पहले। इस बार का दिल्ली इलेक्शन कह सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए।